चलो बेटा कह रही देखो रोज सिखा तेरा कंटेंट कुत्ते की मौत भी करंटली डिजर्व नहीं करता। खुद को तू कॉमेडियन बुलाता है और उससे ऑफेंसिव जोक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। अच्छी लंड मेरा, अबे लॉकडाउन में बावड़ा हो गया क्या? ओ आतिशबाजी लोड। ये यूट्यूब का हाल देख के मेरे को टिकटॉक पे जाने का मन हो रहा है। जा रहे तेरी माँ की तेरी, समझा? के अंदर से खोल के बता देगा तुझे, पता भी नहीं चलेगी। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। लंड ले ले मेरा, ऐसा ले ले मेरी चपा चप चपा चप ऐसा करके। मेरा मुंह बंद कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। तेरी माँ की चुतसाड़। कैरी रोस्ट करता है और कैरी रोस्ट करे तो आ गए आप। आज आपको पता चल ही गया होगा वीडियो के टाइटल और थंबनेल से कि आज हम किन आतिशबाजी लौडियों की लेने वाले। तो किसी बिना रुकावट के हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कानों में डालने वाले यंत्र डाल लीजिए। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो शुरू करते हैं आज की बकचोदी, वो भी बिना किसी बकचोदी के साथ। तुम मेरे भाई लोग जिस गाने को लेके हवा में उड़ रहे थे, उस गाने के पीछे की सच्चाई आपको मालूम ही होगी। तो भाई ज़िंदगी का मजा इसी में, एक टिकटॉकर दूसरे टिकटॉकर के मजाक उड़ा रहे हैं। तो भाई हम यूट्यूबरों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इनकी वीडियो बैक टू बैक प्ले कर दो, इन्हीं में इनका रोस्ट हो जाएगा। तो भाई इन लोग चूतिया है, कतई चूतिया है इन लोग, चूतिया मतलब चूतिया इंटू 100 है इनकी भाषा में बोला जाए तो। तो आज हम ऐसे नमूनों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कैरी मिनाटी के वीडियो को डायरेक्टेड टारगेट कर रहे हैं, जो कि कैरी मिनाटी को डायरेक्टेड टारगेट कर रहे हैं। तो उनमें से पहला नमूना ये रहा। मेरे भाई वो एंटरटेनमेंट वीडियो था, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, स्टॉप टेकिंग इट एज अ पर्सनल ब्रो। तो ये है कमेंट सेक्शन में गालियां खाने वाली निंजा टेक्निक। इस चमकादड़ को कोई ये समझाओ कि 9 मिलियन रिव्यू डिलीट कर दिए गए हैं, अगर वो डिलीट नहीं होते ना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाता, समझा? तो तू मानता है ना वीडियो एंटरटेनमेंट है, तो तूने अपने पर्सनल पे क्यों लिया? तू ये कह रहा था ना भेंडचोत कि अपने पर्सनल पे मत लो, तो तूने अपने पर्सनल पे क्यों लिया भेंडचोत? हाँ तो दोस्तों अभी मैं आपको ऐसे भुकरचोदी बाबा की वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो टिकटॉक के खुद को संदीप माहेश्वरी समझते। इसमें तो संदीप माहेश्वरी जैसी एक भी गुण नहीं है तो भी ये टिकटॉक की संदीप माहेश्वरी कहलाते, और ये इतना भुकरचोदी फैलाते, इतना भुकरचोदी फैलाते तो भी इनके टिकटॉक के बड़े बड़े आटू झाटू लोग लाइक और सपोर्ट करते। तो आओ दोस्तों देखते हैं भुकरचोदी बाबा क्या कहते। कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने टिकटॉक का सपोर्ट करके चाइना का सपोर्ट किया है। अरे मेरे भाई अगर चौथी पास क्यूट लॉन्डो की तुम ईयरफोन लगाकर बीसी सुनोगे तो फिर क्या होगा? अरे वाह 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 वाह, अब ये भुकरचोदी बाबा हमें सिखाएंगे कि हमें क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। तो चलो ठीक है, आप ही कुछ हमें 2-4 लाइनें सुना दीजिए। चलो 5 बातें तुम्हारे लिए जिससे बिना घर वालों से छिपे, बिना गाली गलौज के तुम सुन सकते हो। तो पहला ब्रह्मास्त्र तो भुकरचोदी बाबा ने यही पे छोड़ दिया, तो ठीक है चलो अब आगे बोलो। अगर चाइना से दिक्कत है तो अपना ये फोन वीवो ओप्पो वन प्लस या आईफोन कूड़े में फेंक दो, ये भी चाइना का माल है। सिर्फ फोन ही फेंकना था ना, ठीक है ये ले फेंक दिया, देखा ले देख फेंक दिया फोन। और क्या करना होगा हमें भारत का सच्चा नागरिक बनने के लिए? फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और ट्विटर कोई इंडियन ऐप नहीं है भाई, वो ईपी वाला यूट्यूब भी नहीं। अबे संदीप महेश्वरी के थर्ड कॉपी, तू चाइना के एप्लीकेशन पे बात कर रहा है ना, तो चाइना के एप्लीकेशन पे ही टिका रहे, समझा ना, दूसरे एप्लीकेशन पे जा मत। ये जो परिवार के साथ बैठ के सुबह शाम चाय पीते हो उसका निर्माण भी 5000 साल पहले चाइना में हुआ था, तो कल से चाय छोड़ो और हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो। अबे संदीप महेश्वरी का थर्ड कॉपी, एक काम करना तो तू घर पे लाइट लगाना छोड़ दे, क्योंकि लाइट का आविष्कार तो थॉमस एडिसन ने किया था ना जो कि अमेरिका के थे, तो तू घर पे लाइट क्यों लगा रहे यार? कतई चुतिया पॉइंट यार तेरे, तू भी आज से चुतिया इंटू 100 है। फिर भी टिकटॉक के बड़े बड़े लोगों ने इस भुकरचोदी पोकेमोन के ऊपर कमेंट किया है कि एग्जैक्ट माय पॉइंट। अरे भाई कौन से देश से उठ के आया है तू, ये तुम्हारे पॉइंट है, ये तुम्हारे पॉइंट है। फिर आते हैं अदनान 07, ये कहते रिस्पेक्ट आई हाय, अरे कतई जहर, कतई जहर। अरे मैं तुम
बकरचोदी पोकेमोन को ये कहना चाहता हूँ कि तुम ऐसी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते जहाँ उसे ठीक करना है। हेलो गाइस, मेरा नाम समीद आलम है। मैं टिकटॉक से कहना चाहता हूँ कि आप यार बिल्कुल हाथ पैर धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। मेरे काफ़ी वीडियोस के साउंड ऑटोमेटिक म्यूट हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं वो, और लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उसका साउंड नहीं आ रहा। आज तो जो मैंने एक वीडियो मेरी काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, जोया एक गिलास पानी लेकर आना, वो वाली वीडियो का भी साउंड चला गया। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, काफ़ी मेहनत से चीज़ें बनती हैं, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा टिकटॉक, है ना? तो प्लीज़ ऐसा ना करें, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बंदा टिकटॉक पे अदाकार कहलो के नाम से फेमस है। यस गाइस, ये फेमस है। ये इतने बंदा इतना मेहनत करता है, इतने रियल तगड़े एक्सप्रेशन देता है, फिर भी टिकटॉक इसकी वीडियो डिलीट करता है, इसका साउंड दबा देता है। ऐसा क्यों? अगर टिकटॉक पे कोई हक भी देना तो भी उसे पब्लिक 2 मिलियन लाइक दे देगी और डुएट करेंगी वो अलग से। और जहाँ पे रियल टैलेंट है वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ लाइक और डुएट का नामो निशान तक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है भेड़चोद? ऐसा तुम लोग ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? इतने कंटेंट चोर होते हैं ना, आप ये वीडियो देख लो एक बार। उसकी वजह ऑक्सीजन है, कोई बाबू सोना नहीं। तो देखा आपने, एक भी जगह ये लड़की ने मेंशन भी नहीं किया है कि रियल क्रिएटर कौन है। सब क्रेडिट इसने अपने आप के ऊपर ले लिया है। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? जो रियल कंटेंटर होते हैं, जो रियल डिजर्व करते हैं टैलेंट, जो क्रेडिट लेना, तो उनको आप क्यों नीचे दबा के रखते हो? क्यों ऐसा कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है ना उसे भी क्लिक कर दीजिए।